Hello learners, myself Dr. Rajesh Mitpal, Assistant Professor, Department of Physics. आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ Statistical Mechanics के कुछ टॉपिक. आपकी फिजिक्स में एक बुक है जिसका नाम है Statistical Mechanics. Statistical Mechanics क्या होती है, Statistical Mechanics के टॉपिक को किस तरीके से यूज किया जाता है और उसका फिजिक्स के अंदर क्या एप्लीकेशन है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे. स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होती है, आपका जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है या स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स है उसका जब हम एप्लीकेशन फिजिक्स के अंदर करते हैं तो वो आपकी बन जाती है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. जैसे जब हमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी होती है, लाइक किसी बॉक्स के अंदर सपोज हमारे पास गैसेस है. आप इस तरीके से इसको देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए कोई बॉक्स है, ये कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स है, हमें इसकी स्टडी करनी है, तो ये जो स्टडी कहलाती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाती है. अगर मुझे एक इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड बतानी है, अगर मुझे इस पार्टिकल की स्पीड बतानी है तो एक पार्टिकल की स्पीड बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको पता होता है जो एवोगैड्रो नंबर होता है, एक मोल में जो नंबर होता है, दैट इज 6.023 × 10⁻²³ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास होते हैं, तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करना पड़ता है. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके हम क्या करते हैं, इसका एवरेज मोशन डिफाइन करते हैं. और जब हम एवरेज ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं, मोड ले रहे हैं, मीडियन ले रहे हैं, तो वो सारे के सारे स्टैटिक्स के टूल हैं. ठीक है, स्टैटिक्स के टूल्स को फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जा रहा है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हम लोग मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की स्टडी माइक्रोस्कोपिक तरीके से करते हैं. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम. इन मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को हम लोग माइक्रोस्कोपिकली डील करने की कोशिश करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में. जैसे हम इस बॉक्स के अंदर इसका प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं, वो एक मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, उसको हम माइक्रोस्कोपिकली डील करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मदद से. तो मैक्रोस्कोपिक मींस जब हम किसी सिस्टम को मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं. ठीक है, लाइक ये पार्टिकल, इतना बड़ा स्टोन आपके पास है, आप इसको टच कर सकते हैं, तो ये मैक्रोस्कोपिक हुआ. या फिर जिसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल शब्दों में बोलेंगे आसान लैंग्वेज में, तो जिनको फील कर सकते हैं. फील मींस जैसे प्रेशर को आप फील कर सकते हो, हवा चलेगी प्रेशर महसूस होगा, टेम्परेचर को आपके बॉडी पर टेम्परेचर फील होता है. ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं या जिनको हम टच कर सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं. इसके अलावा जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, लाइक न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, 10⁻²⁵ मीटर. तो जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे एटॉमिक डायमेंशन में जाकर के, न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक डायमेंशन में जाके जब हम स्टडी करते हैं, एटॉमिक डायमेंशन 10⁻²⁻ मीटर, तो जब इस रेंज में जाके हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी. ठीक हो गया, तो जिसको हम फील कर सके या टच कर सके वो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हो गए, और जिनके लिए हम जैसे एटॉमिक डायमेंशन में जा रहे हैं, इस गैस की एटॉमिक स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, फिर आपके पास माइक्रोस्टेट की बात करते हैं, और यह भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाती है. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिक डिस्कस करने हैं. उन दो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट. मैक्रोस्टेट और दूसरी है माइक्रोस्टेट. आपको मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर को समझना है तो पहले आप मैक्रोस्टेट को समझेंगे और माइक्रोस्टेट को समझेंगे. मैक्रो के अंदर मैंने आपको बता दिया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये चीजें आती है, और जब इंडिविजुअल पार्टिकल लेवल पे स्टडी की बात करते हैं तो वहां पे माइक्रो स्टेट होता है. इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन भी आप यहीं पे नोट डाउन कर लें, एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें, उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो उसका सोल्यूशन होगा. आप क्वेश्चन लिखेंगे, देयर कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, देयर कैन बी A large number of microstate corresponding to a macrostate. तो क्या कहना चाह रहा हूं कि एक सॉल्यूशन में, यहां पहले इसका समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है.
कि एक मैक्रोस्टेट में एक से ज्यादा माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आएगा कि देयर कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पोंडिंग टू अ मैक्रोस्टेट। तो इसको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इसको जब आप जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वही आपका आंसर होगा, उसी को आप एग्जाम में लिखेंगे। सपोज हमारे पास क्या है, वी हैव थ्री पार्टिकल्स, तीन हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ए बी और सी, ठीक है। तीन मेरे पास पार्टिकल हैं, इन तीन पार्टिकलों का नाम क्या है मेरे पास, ए बी और सी, ठीक है। इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे इसको सपोज डिस्ट्रीब्यूट करना है दो बॉक्सेस के अंदर, ये दो बॉक्सेस के अंदर, इस तरीके से समझिए, ठीक है। इसको लेफ्ट कह देता हूं, इसको राइट कह देता हूं, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के मेरे पास कितने तरीके होंगे। पहला तरीका यह है कि तीनों पार्टिकल लेफ्ट बॉक्स में रहे, राइट में जीरो रहे, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, तीनों राइट में रहे लेफ्ट में जीरो, दूसरा तरीका यह है। ठीक है, यहां जीरो, इधर तीनो रहे। फिर तीसरा तरीका क्या है आपके पास, इधर टू रहे, ये वन रहे, और यहां पे अगला तरीका है कि इधर वन पार्टिकल रहे और इधर टू पार्टिकल्स रहे। तो आप ये देखिए, जब हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी क्या, कि तीन पार्टिकल ए बी सी को हमको दो बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप ये देख रहे हैं कि इसके चार तरीके पॉसिबल है। तो ये जो चार निकल के आई है ये मैक्रोस्टेट है, मैक्रोस्टेट, ठीक है। तो आपने कहा कि इफ देयर आर थ्री पार्टिकल्स ए बी सी विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू बॉक्सेस, देन वी हैव फोर पॉसिबिलिटीज, एंड दीज फोर पॉसिबिलिटीज आर बेसिकली फोर मैक्रोस्टेट। द फर्स्ट वन इज 3.0, सेकेंड वन 0.3, थर्ड वन 2.1, एंड लास्ट वन इज 1.2। अब इसके रिस्पेक्ट में ये तो हमने क्या किया, ऊपर ऊपर देखा ये तरीका है, इसमें माइक्रोस्टेट्स हमारी कितनी होंगी। तो देखिए 3.0 के लिए एक ही तरीका पॉसिबल है कि तीनों यहां है ए बी सी और यहां जीरो, इसमें भी एक तरीका पॉसिबल है, इसमें क्या है इधर जीरो इधर ए बी सी, लेकिन यहां पे आपकी तीन पॉसिबिलिटीज है। देखिए किस तरीके से आप इसको ऐसे समझें, पहली पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, दो आपको लेफ्ट में रखने हैं, वो दो कौन हो सकते हैं, हमारी मर्जी में जिसको सेलेक्ट करें, हमने सपोज ए बी को ले लिया यहां और यहां सी हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, इधर बी सी को ले लो, यहां ए ले लीजिए, और तीसरा तरीका क्या होगा, यहां पे आप लोग क्या करेंगे, ए सी को ले लेंगे और यहां पे बी ले लेंगे। तो आप ये देखें क्वेश्चन क्या था, देयर कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू अ मैक्रोस्टेट। तो देखो 2.1 क्या है, एक मैक्रोस्टेट। तो एक मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है, तीन माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है, तो ये आपका तीन पॉसिबिलिटीज यहां होगी। फिर यहां पे देखिए इसके अंदर आप आएंगे तो यहां पे आपके पास फिर से क्या होगा, 1.2 की भी तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ए यहां रहे, ठीक है, बी सी यहां रह जाए। दूसरा तरीका क्या है, देखो बी यहां रहे, ए सी यहां रह जाए। तीसरा तरीका क्या है, आपका सी यहां रहे और यहां ए बी रह जाए, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास कितनी माइक्रोस्टेट्स थी, चार, और कितनी माइक्रोस्टेट्स आ गई, आठ। तो यहाँ पे फोर माइक्रोस्टेट है और एट आपकी क्या है, माइक्रोस्टेट है। और इसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पे तीन माइक्रोस्टेट्स है और इसमें भी कितनी माइक्रोस्टेट्स है, तीन। तो आप ये एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपका इसका ये सोल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला होता है 2^n, कितनी माइक्रोस्टेट्स होंगी उसको कैलकुलेट करने का, 2^n। वैसे तो आप काउंट करके देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, काउंट कर सकते हो। फॉर्मूला भी है 2^n, तो 2, क्योंकि दो बॉक्सेस तो 2 ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 पार्टिकल्स है, एबीसी 3 पार्टिकल है, तो यहाँ 3, तो 2^3 कितना होता है, 8। तो आप चाहें तो ऐसे कैलकुलेट कर लें, और दूसरा तरीका आपके पास ये होता है जिससे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसमें से शायद समझ में आया होगा कि मैक्रोस्टेट क्या होती है और माइक्रोस्टेट क्या होती है। अब आपके पास दो टर्म और है, वो मैं इसी एग्जांपल में आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे आपको ये जो मैंने क्वेश्चन बोला था उसका सॉल्यूशन यहाँ तक का हो गया और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। फिर मान लो उसमें क्या करते हैं, पीछे से थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन डाल करके ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है, एक एक्सेसिबल स्टेट, एक्सेसिबल स्टेट, ठीक है, और दूसरी कंस्ट्रेंट, ठीक है। आप नोट करते रहे, एक एक्सेसिबल स्टेट होती है, कंस्ट्रेंट्स होती है। तो मुझे पहले कंस्ट्रेंट को समझाना पड़ेगा
कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, एक टाइप की रुकावट होती है। अगर हम किसी को रुकावट पैदा कर रहे हैं, कोई कंडीशन लगा रहे हैं, उसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास 8 स्टेट्स पॉसिबल थी, मैंने आपके पास एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगा दी है, मैंने एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगा दी है कि फॉर एग्जाम्पल इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैंने कंस्ट्रेंट लगा दी है, पूरे क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट लगा देता हूं कि ए और बी साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, ए और बी साथ में नहीं रहेंगे। तो आपके पास अभी कितनी माइक्रोस्टेट पॉसिबल है, देयर आर 8 माइक्रोस्टेट पॉसिबल। मैंने ये बोला कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन का मतलब चाहे सी साथ में रहे, कुछ भी हो। मान लो ऐसा समझो कि तीन दोस्त हैं, राम श्याम और रोहित, राम श्याम और रोहित। कुछ ऐसी कंडीशन है कि राम और रोहित साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, मान लो हमको क्या करना है, दो रूम है हमारे पास, उसमें तीन लड़कों को रखना है और कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि भाई राम और रोहित साथ में नहीं रह सकते। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जैसे ये एग्जाम्पल है, वैसे यहाँ पे ए और बी साथ में नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी मतलब चाहे श्याम साथ में, उससे भी लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ देखो, क्या ये स्टेट पॉसिबल है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ए और बी साथ में है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ए बी साथ में है। ये पॉसिबल है? यस। ये पॉसिबल है? यस। और आपके पास ए और बी को साथ में, ये भी पॉसिबल है? यस। और यहाँ पे ए सी साथ में, यस। और ये वाली पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए टोटल कितनी स्टेट्स थी आपके पास, 8 थी। तो 1, 2, 3, 4 स्टेट्स खत्म हो गई है, और बची कितनी आपकी, 4 स्टेट्स बची है। तो कंस्ट्रेंट क्या होती है, एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाना, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाना वो कंस्ट्रेंट है। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई क्वेश्चन में, कि ए और बी साथ में नहीं रह सकते। तो अब कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4। तो अब आप बोलेंगे नाउ देयर आर 4 माइक्रोस्टेट्स अवेलेबल। पहले कितनी थी, 8 पॉसिबल थी, अब कितनी पॉसिबल है, ओनली 4 पॉसिबल है। तो इसको कैसे समझते हैं, इसको समझने के लिए आप यहां देखें, जो ये 4 निकल के आ रही है उनको एक्सेसिबल स्टेट कह रहे हैं। ये एक्सेसिबल है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये 1, 2, 3, 4 दीज आर दी एक्सेसिबल स्टेट्स। तो एक्सेसिबल स्टेट मतलब कंस्ट्रेंट लगाया, कंस्ट्रेंट लगाने के बाद जो स्टेट्स बचेंगी, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, उन स्टेट्स को हम एक्सेसिबल कहते हैं। जैसे एक नॉर्मल टर्म में भी आपने एक्सेस करना सुना होगा, हम किसी को एक्सेस करने का मतलब, अगर मान लो आपके टीचर है फिजिक्स के आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपके लिए वो एक्सेसिबल है। आप उनसे जाके कुछ भी पूछोगे, आप यूयू के स्टूडेंट हैं, आप उनसे जाके कुछ भी पूछोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए तो वहां के प्रोफेसर से आप कह रहे हैं कि हम यूएई के स्टूडेंट हैं, आप वहां जाके अंदर यूनिवर्सिटी में जाके उनके कैबिन में बैठ करके उनसे कुछ पूछेंगे, आपको आंसर मिलेगा, पॉसिबिलिटीज कम है। ठीक है, तो वो एक्सेसिबल स्टेट्स में नहीं है, जबकि आपके लिए आपका प्रोफेसर जो आपके लिए अपॉइंटेड है वो एक्सेसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 एक्सेसिबल स्टेट्स है, ये भी एक्सेसिबल है। ठीक है, और ये 3 आपकी एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे कंस्ट्रेंट लग गई है। तो इस तरीके से हमने जो डिस्कस किया, पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डिस्कस किया, फिर हमने क्या देखा कि मैक्रो स्टेट क्या होता है, माइक्रो स्टेट क्या होता है, एक मैक्रो स्टेट में एक से ज्यादा माइक्रो स्टेट्स हो सकती है, फिर हमने देखा कंस्ट्रेंट्स क्या होती है, कंस्ट्रेंट एक तरीके से रुकावट है, और फिर हमने क्या देखा यहाँ पे आपके पास एक्सेसिबल स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे क्या होता है, हम एक बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, एक हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने के हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है कि आपके पास कोई कॉइन है, ठीक है, उसको आपने टॉस किया, टॉसिंग ऑफ कॉइन की बात हम कर रहे हैं, टॉसिंग ऑफ कॉइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 केसेस होते हैं, कॉइन लाइक है या अनलाइक है। लाइक मतलब सिमिलर हो गया, ठीक है, दोनों कॉइन सपोज कॉपर के हैं, और यहाँ पे डिफरेंट कॉइन्स होगा, अनलाइक मीन्स डिफरेंट कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक कॉपर का है और एक सिल्वर का है, तो अगर अलग अलग कॉइन रहेंगे कॉपर और सिल्वर के तो वो आपके पास अनलाइक कॉइन हो गया, और अगर इस तरीके से रहेंगे तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 कॉइन मैंने लिए और मैं उनकी टॉस कर रहा हूँ, 2 कॉइन। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज है। पहला तरीका क्या है कि दोनों में हेड आ जाए, अपर मोस्ट। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों में टेल आ जाए। तीसरा तरीका है कि पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, और अगला तरीका है कि पहले में टेल और यहाँ हेड आ जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 4। किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज 1/4। इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/4, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/4। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला पता नहीं तो मैं लिख देता हूँ।
फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। तो टोटल रिजल्ट कितने हैं? चार हैं। मैं एक को फेवर कर रहा हूं, मान लो मैं चाहता हूं कि दोनों सिक्कों को उछालू और दोनों में हेड आ जाए, तो फेवरेबल रिजल्ट एक है, आ कितनी जा सकती है? फोर। तो ये मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। अब लेकिन क्या होता है, दोनों कॉइन अगर सिमिलर हो ये, तो फिर पॉसिबिलिटीज कैसे चेंज हो जाएंगी? देखिए, पहली पॉसिबिलिटी ये बिल्कुल ठीक है कि दोनों में हेड आ सकता है, ठीक है। दूसरी ये पॉसिबिलिटी भी ठीक है कि दोनों में टेल आ सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी जो तुम कह रहे हो कि इसमें हेड या इसमें टेल आएगा, वो और एक ही पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। कैसे एक ही पॉसिबिलिटी बनी? क्योंकि आप सिक्के तो एक जैसे है ना, आपने उछाला हेड आया, दूसरे में टेल आया, अब आप उनको फिर से उछालोगे तो वो अलग अलग केसेस है ही नहीं, वो चीजें एक ही है, क्योंकि सिक्के सेम होंगे तो ये दो नई नई कंडीशन को जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी था, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी 1/4, इसकी भी 1/4 होगी, लेकिन क्योंकि दो पॉसिबिलिटी मिलके एक बन गई है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो ये आपका अनलाइक कॉइन का केस हो गया, और ये वाला केस आपका हो गया लाइक कॉइन का, ठीक है। अब आपको एक बार समझना क्या है, आपको ये समझना है कि आपको कॉइन्स क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं। तो फिजिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं, तो पार्टिकल आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है, लाइक और अनलाइक। जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन हूबहू सेम होते हैं, दोनों का चार्ज सेम होगा, दोनों का मास सेम होगा, दोनों की स्पिन, सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, तो वो आपके कौन से कॉइन्स में आ गए? लाइक कॉइन्स की तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका। अनलाइक का मतलब हो गया कि आप एक प्रोटॉन को ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, दोनों अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का मास अलग है, तो ये अनलाइक कॉइन की तरह हो गए, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। तो देखो, जो लाइक कॉइन है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपकी जब आगे की क्लासेस चलेंगी वहां पर डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो क्या कहता है? अब देखो, अगर मैं नॉर्मल बात करूंगा तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि दो इलेक्ट्रॉनों को आप अलग कर सकते हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो पॉली ने क्या कहा कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है उनको आपको अलग अलग करना है। जैसे आप ब्लड को देखो ना, ब्लड को देखेंगे वो नाना पाटेकर का डायलॉग है, ये तेरा खून ये मेरा खून बता किसका खून, वो ब्लड को सिमिलर दिखाने की कोशिश करता है मूवी के अंदर, और आप कट करोगे तो वो कलर सेम दिखाई देगा, बट ऐसा होता नहीं है। सबके ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, ब्लड ग्रुप सेम भी है तो डीएनए या फिर हम उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज पर जब जाएंगे तो हम दो ब्लड को बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, करते हैं ऐसा। सिमिलरली पॉली कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉनों की आप ये देख रहे कि सिमिलर है, तो उसने कहा कि इनको अलग करने का तरीका क्या होता है? वो होता है क्वांटम नंबर। क्या होता है? क्वांटम नंबर। तो पॉली का जब आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लो, ऑल फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी सेम। दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होती है। जैसे एन एल एम एल और एस, आप चार क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, अगर तीन सेम होंगी भी तो चौथी आपकी अलग होती है। अगर ये तीन सेम होंगी तो ये अलग होगी, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं। तो आपके पास क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉनों की कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, तो यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग हैं तो इनको मैं अलग कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर के बेसिस पे इसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये जो लाइक कॉइन का कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वहां यूज करेंगे, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप सुन लें कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वहां पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर ये दो की जगह तीन कॉइन होते, दो की जगह ये तीन कॉइन होते तो क्या पॉसिबिलिटीज होती? तो देखिए, दो तीन होते तो पहला तो यही होता। अब देखिए, अगर दो की जगह तीन कॉइन होते तो क्या पॉसिबिलिटीज है? आप देखिए, पहली पॉसिबिलिटी कि तीनों में हेड आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीनों में टेल आ जाए, थर्ड है इसमें हेड और यहाँ पे टेल आ जाए, ठीक है। अगली क्या है कि यहाँ हेड, यहाँ टेल और यहाँ हेड, ठीक है। और फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि इधर टेल आ जाए, इधर हेड आ जाए, इधर हेड आ जाए, ठीक है। और फिर तीन पॉसिबिलिटीज आपकी और रहेंगी, मैं उनको बना देता हूँ पहले, इधर टेल, इधर टेल, इधर हेड रह जाए,
इधर टेल इधर हेड रह जाए, और इधर हेड बीच वाले में हो गया, इधर हेड और इधर नहीं, हेड वाली तो हमने पॉसिबिलिटीज को लिख दिया है। एक सेकेंड, ये दो टेल हेड, ये दो टेल और ये हेड, हमारे पास दो टेल लेके आना है, तो यहाँ दो टेल लिख दो, ठीक है। तो ये आपके पास आप देखें कितनी पॉसिबिलिटीज है, टोटल 8 पॉसिबिलिटी।